राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने होशंगाबाद का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक विकास कार्य नहीं होते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ सरकार ने जेसीबी से रेत खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन अब सरकार में लगातार जेसीबी से नर्मदा नदी में अवैध खनन हो रहा है। रामेश्वर शर्मा जी नाम बदलने की बात कर रहे हैं, होशंगाबाद का नाम और बाबई का नाम बदला है। होशंगाबाद संभाग नर्मदापुरम पहले से ही है, कंफ्यूजन होगा लोगों को अब कि नर्मदापुरम संभाग की बात हो रही है शहर की हो रही है, लेकिन इससे तस्वीर नहीं बदलेगी नाम बदलने से। तस्वीर जब बदलेगी जब वहाँ विकास के काम होंगे। वहाँ नर्मदा जी पर जो कमलनाथ जी की सरकार ने नियम बनाया था कि मशीनों से रेत का उत्खनन नहीं होगा, पूरी रेत निकाली जा रही है मशीनों से और ध्वस्त किया जा रहा है नर्मदा जी को, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। वहाँ लोगों को रोजगार मिले उसके कोई प्रबंधन नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया था कोरोना की पहली लहर में मुख्यमंत्री जी ने, दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई, तब तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं बन पाया। तो ये वहाँ विकास की बात तो करनी ना, क्योंकि इनके पास में तो पैसा है, क्योंकि कर्जा लेके ये सरकार घी पी रही है, इनके पास पैसा है नहीं और इसलिए नाम बदल के वो कर रहे हैं। ये गौ माता के नाम से अपने आप को हिंदू पार्टी कहते थे, बीजेपी की नेता वहाँ हजारों गायों को गौ माता को चूने का पानी मिला के उनकी जान ले ली, हड्डियां बेच दी, उनके चमड़े बेच दिए। रामेश्वर शर्मा जी इस पे बताएं, रामेश्वर शर्मा के क्षेत्र में जहां उन्होंने जब अध्यक्ष थे पोर्टम स्पीकर, एक गौशाला का निर्माण हुआ इनका वो लगा हुआ है और एक इनके नेता का, वहां पे फार्म हाउस बना दिया, वहां फार्म हाउस बना दिया है, जाके देखिए कल मिर्ची बाबा गए थे वहां पर, एक गौ माता नहीं है। गौ माता के नाम से ये जो पैसा आ रहा है, गौ संवर्धन बोर्ड कल जिसका हमने घेराव किया था, ये खा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए। और सूखी सेवनिया में गौशाला में 44 लाख का बिजली का बिल आया है, वहाँ के प्रबंधन का कि हम पूरी गौ माताओं को भोपाल में छोड़ देंगे। अरे बिजली का बिल बिजली तो मत काटो, गौ माता को अंधेरे में तो मत रखो, अंधेरा छा जाएगा पूरी भारतीय जनता पार्टी में, गौ माता को अंधेरे में रखोगे। ये सब इनके ढोंग चल रहे हैं और इनके पास नाम बदलने के अलावा कोई काम बचा नहीं।